एक बड़ी अपडेट, ईरान ने कातर के जरिए इसराइल के लिए संदेश भेजा है। संदेश में कहा कि इसराइल के नए हमले पर आक्रामक और अपरंपरागत प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। साथ ही कहा है कि इसराइली बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया जा सकता है। बता दें, तेहरान ने कतर के लिए अमेरिका को संदेश भेजा है। ईरान ने संदेश में अब तक संयम रखने की बात कही है। साथ ही ईरान ने कहा कि टकराव टालने की बहुत कोशिश की। ईरान ने कहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन जवाब जरूर देंगे। बता दें, इसराइल पर ईरानी हमले के बाद पश्चिम एशिया में युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। एक बड़ी अपडेट, ईरान ने कातर के जरिए इसराइल के लिए संदेश भेजा है। संदेश में कहा कि इसराइल के नए हमले पर आक्रामक और अपरंपरागत प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। साथ ही कहा है कि इसराइली बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया जा सकता है। बता दें, तेहरान ने कतर के लिए अमेरिका को संदेश भेजा है। ईरान ने संदेश में अब तक संयम रखने की बात कही है। साथ ही ईरान ने कहा कि टकराव टालने की बहुत कोशिश की। ईरान ने कहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन जवाब जरूर देंगे। बता दें, इसराइल पर ईरानी हमले के बाद पश्चिम एशिया में युद्ध का खतरा मंडराने लगा है।